सो हेलो गाइस, आज हम आए हुए फ्रंटियर होंडा। होंडा की कार्स बेस्ट प्राइस पे लेने के लिए आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज हमारे सामने होंडा अमेज अमेज 3 वेरियंट्स में अवेलेबल है, जो कि है ई एस एंड वी एक्स। आज हम देखने वाले हैं होंडा अमेज का एस वेरियंट इन पेट्रोल। एस वेरियंट का डेली में एक्चुअल प्राइस 7.22 लाख रुपीज़ एंड इसका डेली में ऑनरोड प्राइस है 8.16 लाख रुपीज़। सुबह का हम स्टार्ट करते हैं कीस से। नॉर्मल कीस मिल जाएंगे आपको एस वेरियंट में। यहाँ पे की के ऊपर आपको मिल जाएंगे लॉक एंड अनलॉक के बटन्स। एस वेरियंट में आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगी, बट सेकंड की बिल्कुल नॉर्मल दी गई है। और अब गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी एग्रेसिव लुकिंग मिल जाती है होंडा में। फ्रंट से आपको अमेज काफ़ी स्पोर्टी लुकिंग मिलने वाली है। फ्रंट में आपको मिल जाएगी 2 स्लैट ग्रिल। ऑल्सो होंडा की सिग्नेचर सॉलिड विंग क्रोम ग्रिल भी दी गई है, जो कि दोनों हेडलाइट्स के ऊपर कंटिन्यू होती है। यहाँ पे ग्रिल के सेंटर में आपको मिल जाएगा होंडा का लोगो और सेकंड ग्रिल बिल्कुल ओपन दी गई है। ऑल्सो फ्रंट बम्पर भी आपको काफ़ी स्टाइलिश लुकिंग मिल जाता है, काफ़ी एचडी डिजाइन में दिया गया फ्रंट बम्पर। एंड अब हेडलाइट्स की बात करें तो हेडलाइट्स आपको रिफ्लेक्टर बेस दी गई हैं। हेडलैम्प्स के साथ आपको एलईडी बेस डीआरएस मिल जाते हैं, बट यहाँ पे टर्न इंडिकेटर रिफ्लेक्टर बेस दिया गया। हेडलाइट्स को एग्रेसिव लुक देने के लिए इसमें आपको क्रोम एंड ब्लैक फिनिश मिल जाती है। और यहाँ नीचे आपको मिल जाते हैं फॉग लैम्प्स के स्लॉट। एस वेरिएंट में फॉग लैम्प्स नहीं दिए गए, बट यहाँ पे आपको क्रोम गार्निश मिल जाएगी। नाउ दिस इज द साइड प्रोफाइल ऑफ होंडा अमेज। साइड प्रोफाइल में आपको काफ़ी शार्प शोल्डर लाइन मिल जाती है। साइड प्रोफाइल से भी काफ़ी बढ़िया लुक से मिल जाता है होंडा अमेज। और द व्हील्स की बात करें, व्हील्स में आपको स्टील रिम दिए गए हैं विद व्हील कवर्स। यहाँ पे व्हील्स के ऊपर आपको मिल जाएगा 175/65 R14 के टायर्स और टर्न इंडिकेटर्स ORM पे दिए गए हैं। ORM से आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं। ऑल्सो डोर हैंडल भी बॉडी कलर में मिल जाएंगे। एंड अब बैक प्रोफाइल की बात की जाए तो बैक प्रोफाइल से आपको कुछ ऐसे लुक मिल जाएंगे। बैक प्रोफाइल से भी काफ़ी एग्रेसिव लुक से मिलते हैं आपको होंडा अमेज। बॉडी के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा कट्स एंड एजेस मिल जाते हैं। एंड अब टेल लाइट्स की बात करें, टेल लाइट्स आपको LED बेच दी गई हैं। ड्यूअल ट्यूब्स का यूज़ किया गया टेल लाइट्स में और स्प्लिट टाइप मिल जाते हैं टेल लाइट्स। ऑल्सो टेल लाइट्स का डिज़ाइन भी काफ़ी ब्यूटीफुल दिया गया। एंड रिफ्लेक्टर्स बम्पर पे दिए गए। ऑल्सो बम्पर के ऊपर आपको एक क्रोम स्ट्रिप भी मिल जाती है और 4 पॉइंट पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगी एस वेरिएंट एंड IVTEC की बैजिंग, बूट ओपन करने के लिए की होल और यहाँ पे होंडा का लोगो दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है अमेज की बैजिंग। रियर विंडशील्ड पर वाइपर एंड डिफोगर नहीं दिया गया और रूफ के ऊपर आपको शार्प फिन एंटीना मिल जाएगा एंड हाई स्टॉप लैंप यहाँ पे दिया गया। सो चलिए अब देख लेते हैं अमेज की बूट। बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको की का यूज़ करना पड़ेगा और या फिर आप गाड़ी के अंदर से भी ओपन कर सकते हैं। नाउ बूट स्पेस इज 420 लीटर्स, वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट बूट स्पेस मिलता है आपको होंडा अमेज में। बूट के अपर साइड में आपको एक लगेज लैंप मिल जाएगा। और अब स्पेयर व्हील की बात करें, स्पेयर व्हील भी आपको स्टील में दिया गया, सेम साइज का मिल जाता है स्पेयर व्हील। एंड बूट डोर के ऊपर आपको लाइनिंग मिल जाती है फॉर बेटर इंसुलेशन। सो चलिए अब देख लेते हैं होंडा अमेज का इंटीरियर। सो ड्यूअल डोर इंटीरियर मिलता है विद बेज एंड ब्लैक कलर्स। और अब डोर पे दिए गए कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ORMs के कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं ORMs। ऑल्सो एस वेरिएंट में आपको ऑटो होल्ड का फंक्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा लॉक अनलॉक बटन और यहाँ पे चाइल्ड लॉक बटन दिया गया है। एंड ऑल पावर विंडोज दी गई हैं विद ड्राइवर साइड ऑटो डाउन फीचर। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डोर ग्रैप करने के लिए स्पेस। डोर के इस पार्ट पे आपको फैब्रिक मिल जाएगा एंड डोर पैनल्स के ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक दिया गया। यहाँ पे आपको मिल जाएगी सिल्वर फिनिश और डोर हैंडल्स भी सिल्वर फिनिश में दिया गया। एंड नीचे आपको मिल जाएंगे बोतल होल्डर एंड पॉकेट्स और यहाँ पे स्पीकर दिया गया। एंड अमेज में आपको चारों डोर्स के ऊपर स्कर्फ प्लेट्स मिल जाती हैं और यहाँ पे आपको मिल जाएगा हेडलैम्प लाइटिंग स्विच। ऑल्सो AC वेंट्स के ऊपर भी आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगी। एंड अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आपको 3-spoke स्टीयरिंग व्हील दिया गया। ऑल्सो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है। एंड अब स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट्स की बात करें तो आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल मिलता है स्टीयरिंग व्हील। इट्स एडजस्टेबल फॉर ओनली हाइट, नॉट फॉर रीच। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड आपको मिल जाएंगे इन्फोटेनमेंट एंड कोल के कंट्रोल्स और राइट साइड किसी भी टाइप के कंट्रोल्स नहीं दिए गए। एंड अब क्लस्टर की बात की जाए तो आपको एनालॉग डिजाइन में मिल जाता है क्लस्टर। लेफ्ट साइड टैकोमीटर दिया गया, बीच में MID और राइट साइड आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। MID शो करती है ट्रिप्स, ओडोमीटर, फ्यूल गोज, एवरेज, रेंज, टाइम एंड अदर इन्फॉर्मेशन। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड आपको मिल जाएंगे वाइपर्स के कंट्रोल और राइट साइड हेडलैम्प्स के कंट्रोल दिए गए। एंड अब इंफोटेनमेंट की बात करें तो आपको बिल्कुल नॉर्मल इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। इंफोटेनमेंट सपोर्ट करता है ब्लूटूथ, रेडियो, USB एंड AUX। फिजिकल बटन्स के साथ मिल जाता है आपको सिस्टम। और गाड़ी में आपको टोटल 4 स्पीकर्स दिए गए।
जहाँ पे आपको ओक्स का पोर्ट मिल जाता है और इंफोटेनमेंट के अराउंड आपको ग्लोस ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। और सब कंट्रोल्स के ऊपर भी ग्लोस ब्लैक फिनिश दी गई है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा हैजार्ड लैंप बटन। और यहाँ नीचे आपको मिल जाएंगे एसी के कंट्रोल्स। मैनुअल एसी मिल जाता है एस वेरिएंट में, लेफ्ट साइड मोड्स, बीच में फैन स्पीड और राइट साइड टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए नॉब दिया गया। और यहाँ नीचे आपको मिल जाएंगे यूएसबी एंड 12V सॉकेट। यहाँ पे आपको कुछ छोटा सा कंपार्टमेंट मिल जाता है। ऑल्सो 2 कप होल्डर्स भी दिए गए फ्रंट पैनल्स के लिए। 5 स्पीड मैनुअल के साथ मिलती है आपको होंडा अमेज। ऑल्सो अमेज में सीवीटी का भी ऑप्शन है। गियर नॉब आपको काफ़ी स्मॉल फैक्टर के साथ मिलता है। ऑल्सो नॉब के ऊपर भी आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगी। और यहाँ शिफ्टर के अराउंड आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है। एंड अमेज में आपको मैनुअल हैंड ब्रेक दी गई है। और यहाँ पे आपको कुछ और स्टोरेज मिल जाएगी। एंड मैनुअल डिमिंग आईआर मिलता है आपको होंडा अमेज में। कोर ड्राइवर साइड वैनिटी के साथ दिया गया। और सनवाइजर इतना ब्लॉक करता है साइड विंडो को, ऑलमोस्ट 1/3 विंडो को छोड़ देता है सनवाइजर, बट ड्राइवर साइड वैनिटी के साथ नहीं दिया गया। एंड ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको नॉर्मल साइज की स्टोरेज मिल जाती है। मैनुअल्स वगैरह यहाँ पे इजीली आ जाएंगी। फ्रंट सीट्स के हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं। ड्राइवर सीट 8वें एंड को ड्राइवर सीट 6वें एडजस्टेबल दी गई है। एंड आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है इस वेरिएंट में। सो चलिए अब देख लेते हैं रियर सीट कम्फर्ट। एंड अब रियर डोर के एमिनिटीज की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पावर विंडो कंट्रोल, डोर ग्रैप करने के लिए स्पेस, सिल्वर डोर हैंडल्स दिए गए हैं। और नीचे आपको मिल जाएंगे बोतल होल्डर एंड पॉकेट्स। और यहाँ पे स्पीकर दिया गया है। सो चलिए अब देख लेते हैं होंडा अमेज का कैबिन स्पेस। काफ़ी बढ़िया कैबिन स्पेस मिल जाता है होंडा अमेज में। फ्रंट सीट में रेट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरे रेट है 510। यहाँ पे रियर पैसेंजर्स के लिए 12V सॉकेट दिया गया है। और एस वेरिएंट में आपको सिर्फ एक रीडिंग लैंप मिलता है। एंड नॉन फोल्डिंग ग्रैब रेक्स दी गई हैं, बट रियर सीट्स के हेडरेस्ट इंटीग्रेटेड है। ऑल्सो रियर सीट्स पे एक आर्मरेस्ट भी दिया गया। आर्मरेस्ट के अंदर आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। सो चलिए अब देख लेते हैं होंडा अमेज का इंजन बे। सो द इंजन ऑफ 14 होंडा अमेज 1.2 लीटर्स 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड IVTEC इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 88.5 BHP एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 110 Nm। ऑल्सो अमेज में डीजल इंजन भी ऑफर किया जाता है। बोनट इज नॉट इंसुलेटेड। एंड अब सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको मिल जाएंगे 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, ड्यूअल हॉर्न, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, ISO चाइल्ड सीट माउंट्स, सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक एंड अदर बेसिक फीचर्स। होंडा अमेज के मिड वेरिएंट में आपको लगभग सभी बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि LED पार्किंग लैंप्स, LED टेल लाइट्स, चारों पास विंडोज दी गई हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORS मिल जाते हैं। मैनुअली डिमिंग IRM दिया गया। एंड ऑल्सो एक नॉर्मल सा इंफोटेनमेंट भी दिया गया विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। और 8वें एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं आप। एंड चैनल पर हो तो डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।